नमस्कार हमारे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी पर मां संतोषी की अपार कृपा बनी रहे, ऐसी सुप्रार्थना करते हुए एक बार मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ आप सभी को स्वप्न फल बताने के लिए। दोस्तों, हमारे निद्रावस्था में कोई ना कोई सपना तो दिखता ही है, और स्वप्न हर कोई दिखता है, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान और गरीब अमीर, चाहे वो झोपड़ी का हो, महल का हो, लेकिन स्वप्न तो हर कोई देखता है। लेकिन ये स्वप्न केवल संयोग बस नहीं आते हैं। स्वप्न शास्त्र कहता है ये हमारे जीवन में आगे क्या कुछ घटनाएं घटित होने वाली है उन्हीं का संकेत देने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और आज जानते हैं, अगर स्वप्न में आपने देवी देवताओं में से माँ संतोषी का दर्शन स्वप्न में किया है तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने भी स्वप्न में माँ संतोषी का दर्शन किया है और आप उनके भक्त हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बड़ा ही दुर्लभ सपना है। आपने संतोषी माँ का मंदिर देखा या आपने माँ संतोषी का दर्शन किया तो दोस्तों आपका ये जो आगे आने वाला जीवन है वो बड़ा मंगल और सुखकारी होगा। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो आपको पूर्ण होती दिखाई देगी। आपके जीवन में धन लाभ और रोग शोक का नाश होगा, धन लाभ होगा। आपके जीवन में सुख शांति और प्रेम का समागम होगा, यानी कि ये स्वप्न बेहद ही दुर्लभ और आपके भाग्य को खोलने वाला स्वप्न है। तो दोस्तों, माँ संतोषी को देखना एक दैवीय सपना है, ये आपके जीवन में उन्नति प्रगति को देने का संकेत कर रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक, और आगे फिर से आप सभी से मिलती रहूंगी, आप सभी के स्वप्न का फल आप तक पहुंचाती रहूंगी, और बहुत ढेर सारी जानकारियां हैं, लेकिन आज का सफर यहीं पर। और हमें अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट भी करिए, हम आगे कोशिश करेंगे आप तक वो जानकारी पहुंचाए। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।